हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो है डेंगू के बारे में। अभी आप देखेंगे इस मौसम में जहां दिवाली की सफाई अभी शुरू हुई है, वहीं मच्छरों का अटैक भी बढ़ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंगू से पीड़ित पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो लैब रिपोर्ट करवाते हैं, डेंगू टेस्ट करवाते हैं, तो डेंगू उनका नेगेटिव यानी नॉन रिएक्टिव आता है। लेकिन उनके सिम्टम्स को देखते हुए जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो उन्हें एकदम रिलीफ मिल जाता है। और ये सिम्टम्स जो हैं वो डेंगू के ही इंडिकेशंस होते हैं। बहुत से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पेशेंट डेंगू नेगेटिव है बट उसे फीवर, सीवियर बॉडी एक यानी बुखार के साथ बहुत ज्यादा शरीर जो है वो दर्द करता है, पूरी ही बॉडी में पेन होता है। इस तरीके का पेन है कि जैसे उनके एक एक बोन टूट रही हो। अब जो इसके साथ नए नए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो है सीवियर हेडेक। अभी डेंगू के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तेज हेडेक होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है कि वो चल फिर भी नहीं पाते। अगर उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया, अनट्रीटेड कर दिया, तो उनके बॉडी पे रैशेज यानी रेड कलर के दाने शुरू निकल जाते हैं, जो कि डेंगू का सिम्टम है। लेकिन ये तब होता है जब आपने डेंगू को अनट्रीटेड छोड़ दिया और उसकी वजह से आपकी लीवर पे इफेक्ट आया हो। अगर डेंगू ने आपके लीवर को अफेक्ट किया है तो आपका जो लीवर फंक्शन टेस्ट के प्रोफाइल्स हैं वो सारे ही बढ़े हुए होंगे। आज ही एक पेशेंट आया जिसका SGOT, PT और बिलीरुबिन ये सारे ही बहुत ज्यादा मार्डली हाई थे, यानी OTPT उनका 150 से ऊपर था और बिलीरुबिन उनका 2 से ऊपर था, जो कि वाकई में सोचने वाली बात है। जबकि उनको सिंपल सा हल्का फीवर हुआ था, बॉडी पेन हुआ था और डेंगू रिपोर्ट उनकी नेगेटिव थी। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें जिदोरा उल्टी यानी नोजिया वॉमिटिंग होता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और जब इनका बुखार और बॉडी एक चला जाता है उसके बाद ये सिम्टम्स उनको आने लगते हैं, तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा फीवर और बॉडी पेन तो चला गया, तो अब नोजिया वॉमिटिंग शायद किसी और कारण से है। बट ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो ड्यू टू डेंगू इफेक्ट्स। तो आपको इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। डेंगू पेशेंट्स को सबसे पहले प्रिकॉशन रखना है कि वो हाईली हाइड्रेटेड रहे, यानी उसके शरीर में लिक्विड की मात्रा अधिक से अधिक रहे। उसको रेस्ट करना है। मैंने देखे कि बच्चे और जो बड़े भी हैं वो अपने काम पे जा रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप रेस्ट करिए। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपका जो प्लेटलेट है वो जल्दी से डाउन नहीं होगा, आपको भी जो वीकनेस बॉडी पेन होता है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। साथ ही अगर आप मान लीजिए स्कूल या ऑफिस गए, वहां पे अगर आपको किसी मच्छर ने काटा, वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो उसे भी डेंगू होने के चांसेस हैं, यानी डेंगू भी फैलता है बट उसका जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो एक मच्छर होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू अगर घर में एक को हो गया तो बाकी को नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है। यस ऑफ कोर्स, ये कोई छूने से या हाथ टच करने से नहीं फैलने वाली, बट क्योंकि आप डेंगू पॉजिटिव है, आपके अंदर डेंगू के कीटाणु हैं और मच्छर ने अगर आपको काट लिया, वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काट ले तो उसे भी डेंगू हो सकता है। डेंगू में डायरिया के सिम्टम्स भी अभी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उसे दस्त लग रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्प करती हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको मेडिसिन भी बता रही हूँ, वो इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि एज अ एपिडेमिक टाइप ये कंडीशन है और अगर आप इसे लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। मीनवाइल आप जाके नियर बाई होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्टेंसी लीजिए और मेडिसिन को कंटिन्यू करनी है या कुछ और मेडिसिन देनी है वो आपको वो सजेस्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले अगर आपको फीवर, बॉडी पेन, हेडेक या किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है और डेंगू नेगेटिव भी है, और अगर डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है तो भी आपको यूपेटोरियम पफ 200 के अंदर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना ही लेना है, दिन में 3 बार। इसी के साथ अगर आपको नोजिया वोमिटिंग की दिक्कत होती है तो आईपीकॉक 30 ले सकते हैं।
आप LFT करवाते हैं और आपका लीवर प्रोफाइल बढ़ा हुआ आता है, आप चेलिडोनियम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं दिन में 3-3 बार, क्योंकि ये 30 पोटेंसी है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल रेज है तो आप 2-2 घंटे से भी इसको रिपीट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको दिन में 3 बार तो ले ही ले। ये मेडिसिन लेने के साथ आपके ये सिम्टम्स चले जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको डेंगू हुआ ही नहीं। ये दवाइयाँ आप लगभग 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू रखें। ये 3 मेडिसिन हैं जो डेंगू के पेशेंट्स को लेनी चाहिए ताकि उनका लीवर प्रोफाइल ठीक रहे, उनका GIT ठीक रहे और उन्हें फीवर ना हो। इन दवाइयों को लेने से आप देखेंगे आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो भी अच्छा इम्प्रूव करेगा, उसमें भी कोई गिरावट नहीं आती है। जब आप CBC करवाते हैं तो प्लेटलेट बहुत अच्छे रेज्ड दिखते हैं, आते हैं। आपको 2 या 3 दिन जैसे ही आप मेडिसिन लेंगे आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये मेडिसिन 3 ऐसी हैं जो अगर आपको लगता है कि आपके घर में आसपास में कोई भी डेंगू का पेशेंट है तो आप उसे दे सकते हैं, जिससे कि आप भी डेंगू से इन्फेक्ट होने से बच सके। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो डेंगू में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके बारे में बताया है। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। आपके घर में भी आप ये मेडिसिन लेके आ जाइए ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें तुरंत ही ये दवाई दे दें, आपको किसी और दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको रेस्ट करना है और लिक्विड इंटेक सबसे ज़्यादा करना है। जब डेंगू पीड़ित हो तो आप सॉलिड यानी हैवी फूड कम से कम खाएं, लेकिन लिक्विड और हाइड्रेटेड रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि मैं आपको और वीडियोस शेयर करती रहूं, और भी ऐसी अच्छी मेडिसिंस जो आपको किसी भी सीवीएलटी से कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है उसके बारे में बताती रहूं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेंगू या किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, चाहे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस में, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी जितना रिप्लाई मैं कर सकती हूँ। नहीं तो आप मुझसे कंसल्टेंसी लेके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिसका मैं डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।